हाय गाइस, वेलकम टू टीआर मुंबई का यूट्यूब चैनल। आज हम जहाँ जा रहे हैं वो है मालचेज घाट। बहुत लोग बारिश के मौसम में वेस्टर्न घाट्स में जाते हैं, तो उसी में से ये एक पार्ट है मालचेज घाट, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है और मुंबई से बहुत ही पास है, मतलब नज़दीक है, ऑलमोस्ट 85 किलोमीटर से। और अगर पुणे से आते हो तो 130 किलोमीटर कुछ होगा। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है और यहाँ पे वाटरफॉल और नज़ारे तो एकदम बहुत ऑसम होते हैं। तो चलिए चलते हैं मालचेज घाट, लेट्स गो। चलिए जल्दी जल्दी निकलते हैं, ऑलरेडी लेट हो चुका है। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए भैया, गणपति बाप्पा, मंगल मूर्ति। कल्याण से मालचेज घाट आ रहा हूँ, 80 से 90 किलोमीटर से। और अगर मुंबई से आप आते हो तो 125 से 130 किलोमीटर से। तो आपने ये रास्ते तो देखते ही होंगे मेरे बाकी वीडियोज में। तो चलिए मैं सीधा आपको मिलता हूँ हाईवे पे। ये चक्की नाका पे हमेशा गड्ढे रहते हैं, पता नहीं कब भरेंगे ये लोग। यहाँ से मुझे अभी राइट लेके निकलना है सीधा बेटलवाड़ी की तरफ, फिर वहाँ से शायद ये ठोक ठोक सारा मिसा था। आप जाता तो रॉन्ग साइड गए, इनको तो छोड़ो। चलिए सीधा अंदर चलते हैं बेटलवाड़ी, वहाँ से फिर शहाड़। यहाँ आगे सामने ही है बेटलवाड़ी स्टेशन, पर हमें वहाँ नहीं जाना है, हमें लेफ्ट लेके वालदुनी फ्लाईओवर लेके हमें शहाड़ की तरफ जाना है। ये है वालदुनी फ्लाईओवर। अभी हम लोग एंटर करेंगे उल्लासनगर। ये उल्लासनगर महानगर पालिका का एंट्री गेट है। यहाँ से लेफ्ट लेके हम जाएंगे शहाड़ की तरफ। ये सीधा रोड शहाड़ की तरफ जाता है, जो कि मार्केट जाने के लिए सबसे बड़ा शॉर्टकट है। रोड अभी हम लोग पहुंच चुके हैं शहाड़। यहाँ आगे ये शहाड़ का रेलवे स्टेशन, मनीष जो हम लोग अभी उल्लासनगर से आए, ये शहाड़ को कनेक्ट करता है। और कल्याण से ये जो फ्लाईओवर आता है ये भी शहाड़ को कनेक्ट करता है। इसी फ्लाईओवर के नीचे से हमें जाना है मालचेज घाट की तरफ। इधर नाक के जैसा सीधा सीधा रोड है मालचेज घाट का। रास्ते में हमें पड़ने वाली एक ही नदी है, जो कि है उल्लास नदी। और ये जब फुल हो जाती है तो इस रास्ते के ऊपर से जाती है और ये रास्ता कट हो जाता है। अभी कुछ ही सेकंड पहले गड्ढों के वजह से एक सीन हो गया, मेरा कैमरा का माउंट गिर के मेरे हाथ में ही गिरा, मतलब मेरे गोद में गिर गया, जिसकी वजह से मैंने अभी सीधा ट्राईपॉड पे लगा दिया और करिश्मा के हाथ में दे दिया अपना कैमरा। और उसी गड्ढे की वजह से एक ट्रक ने भी मेरे ऊपर कीचड़ भी उड़ा दिया, जिसकी वजह से मेरा टी शर्ट भी ख़राब हो गया। अच्छा वो मैंने एक कैरी किया था टी शर्ट एक्स्ट्रा। तो अभी चलिए यही सब होते रहेगा, अभी सीधा चलते हैं मालचेज घाट। मालचेज घाट में रास्तों के नज़र बहुत ही सही होती है, बहुत ही सिंगल रोड है लेकिन बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, जिसकी वजह से ये मज़ा आता है चलाने में यहाँ पे भाई। यहाँ से अभी पहाड़ों का एकदम मस्त मस्त नज़ारा आएगा देखने में, बस देखो और एंजॉय करो।
यहाँ से अभी वाटरफॉल्स दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अरे कहीं थाम गया कहीं? हमने बाइक अभी साइड में लगा दी है और यहाँ पे हम आए हैं एक वाटरफॉल की तरफ। आजू बाजू का एकदम मस्त नज़ारा है और यहाँ पे भी थोड़ी कम पब्लिक है लेकिन कुछ ही टाइम में बढ़ जाएगी। और ये मस्त नज़ारा देखिए, बहुत ही मस्त लगता है, सुकून होता है, सुकून। चलिए ऊपर चल के वाटरफॉल का नज़ारा देखते हैं। यहाँ नीचे से इतना पता नहीं चला लेकिन ऊपर बहुत लोग हैं और सब लोग वाटरफॉल को एंजॉय कर रहे हैं। वाटरफॉल का पानी बहुत ही ठंडा है। यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स की एकदम झड़ी सी लग जाती है। तो अभी हम दूसरे वाटरफॉल के यहाँ आए हैं। यहाँ ऊपर आना है तो आपको इस वाटरफॉल के नीचे से ही आना है। चलिए ऊपर चल के देखते हैं। बहुत ही बढ़िया नज़ारा दिख रहा है ऊपर से। लोग अपनी गाड़ियाँ किनारे पे लगा के यहाँ ऊपर आ रहे हैं। ये जो रोड आ रहा है ये कल्याण के साइड से आ रहा है और ये जाता है पुणे जुन्नर की तरफ। मार्केट में सैटरडे संडे बहुत भीड़ होती है क्योंकि ये प्लेस मुंबई पुणे से बहुत ही पास है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमेशा भीड़ रहेगी वीकेंड पे। चलते हैं नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। यहाँ से सिर्फ वाटरफॉल और पहाड़ के नज़र की झड़ी लगने वाली है। जैसा जैसा आगे जाएगी तो कुछ भी नहीं दिखेगा। Awesome! Guys, बहुत awesome है, बहुत जिंदगी बदल डालेगी सारी ऐसी दिखा दे। बहुत मजा, ये बारिश गिर रही है इसके लिए नहीं, वो ये क्या बोलते हैं इसको हिंदी में नहीं पता है मुझे, लेकिन मराठी में इसको धुको कहते हैं। सच्ची बताऊँ गाड़ी से हिलने के लिए फोर व्हीलर, टू व्हीलर से हिलने के लिए और फोर व्हीलर से हिलने से बैठे, टू व्हीलर में हिलने के लिए तो बहुत मज़ा आता है और बहुत मज़ा आता है। थोड़ा सा सस्ता टिकट अगर आपके पास कार हो, फोर व्हीलर हो तो उससे ही आइए क्योंकि फोर व्हीलर टू व्हीलर से बहुत ज़्यादा सेफ्टी है। और यस, फोर व्हीलर पे घूमने का मज़ा कुछ और ही है। बहुत ही लग रही है अभी हम आए हैं मालचेज फोर्ट पॉइंट पे। इस पॉइंट पे गाड़ी साइड में लगा के आप यहाँ से नीचे भी जा सकते हैं। यहाँ से पहाड़ों का और नीचे का बहुत ही बेहतरीन नज़ारा दिखता है। वहाँ सामने है कालू वाटरफॉल, कालू धबधबा भी बोलते हैं इसे, वहाँ पे भी जा सकते हैं लेकिन वहाँ जाने के लिए एक डेढ़ घंटा जाएगा, तो इसीलिए आज हम नहीं जाएंगे, आज सिर्फ मालचेज घाट एन्जॉय करेंगे। ये देखिए बादल ऊपर तक आ गए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे ऐसा नज़ारा सिर्फ कुछ ही मिनटों के लिए देखने मिलता है। देखिए विजिबिलिटी इतनी कम हो चुकी है कि नाक के बराबर हमें कुछ दिख रहा है आगे।
ये रहा मालशेज घाट का फेमस टनल, बहुत ही फेमस जगह ये। और ये टनल में हम लोग जा रहे यहाँ टनल के पास एक बढ़िया पॉइंट है जहाँ से बढ़िया व्यू देखने मिलता है। चलिए वहाँ पे चलते हैं। यहाँ रोड के साइड से ही नीचे जाने के लिए एक रास्ता है जहाँ से बढ़िया व्यू देखने मिलता है। ये रोड वहाँ तक जाता है और वहाँ से मस्त व्यू देखने मिलता है। यहाँ पर व्यू देखने के लिए थोड़ा टाइम रुकना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर बारिश आती जाती रहती है जिसके बाद फॉग होता है और व्यू फॉग के वजह से पूरी तरीके से कवर हो जाता है। ये देखिए बारिश भी रुक चुकी है और फॉग भी हट चुका है जिससे वैली का बेहतरीन नजारा देखने मिल रहा है। हम खड़े हैं वहाँ से बादल माउंटेन को क्रॉस कर रहे हैं जिसका नज़ारा एकदम मस्त लग रहा है। वहाँ सामने भी एक पॉइंट है जिसका नाम है थंब पॉइंट या स्टोन पॉइंट, वहाँ पे भी जाते हैं। देखो अभी कुछ ही देर पहले मौसम खुला था, अभी वापस बारिश और फॉग हो गया। ये पूरा एरिया माउंटेन से कवर होने की वजह से यहाँ पे बारिश और फॉग आते जाते रहते हैं। वैसे ये सीधी रेलिंग थंब पॉइंट या स्टोन पॉइंट तक जाती है। ये रहा वो थंब पॉइंट जिसके आगे भी रेलिंग जाती है और जहाँ से मार्शेस घाट के रोड्स दिखते हैं। इस पॉइंट को ये नाम क्यों दिया वो तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे सेल्फीज और फोटोज बढ़िया आते हैं। यहाँ नीचे के साइड पे पूरे बादल ही बादल हैं जिसके वजह से ऐसा लग रहा है कि हम पूरे बादलों के ऊपर खड़े हैं। ये साइड से तो कुछ ही नहीं दिख रहा, वो साइड देखते हैं। यहाँ से नीचे की वैली हल्की हल्की दिख रही है। वो देखिए सामने है मालशेज घाट के रोड्स। चलिए अभी दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। वैसे यहाँ पे खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि चिप्स, मैगी, गर्मा गर्म कोयले पे भुना हुआ एकदम बढ़िया भुट्टा। बस यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा डाउन रहता है जिसकी वजह से आपको कैश कैरी करनी पड़ेगी। आज यहाँ पे हवा कुछ ज़्यादा ही तेज़ है। ओए देखो क्या जोर की हवा ये। बस आप हमेशा आपके खाने पीने की चीज़ों के ऊपर और आपके बैगेज के ऊपर ध्यान रखिए कि यहाँ पे बंदर महाराज खड़े रहते हैं जो आपकी बैग उठा के ले जा सकते हैं। बारिश थी गाइस, घाट पूरा भर के आए नीचे और अभी भी ठंड लग रही है, फिर भी भुट्टा खाया नदी गई। वो गर्म थी यार, ठंडा थी वही नहीं पता चल रहा था। इतनी बहुत ठंडी तेज हवा, बारिश, अभी भी बारिश है। वो देखो उधर भी एक वाटरफॉल है, वाटरफॉल भी हम लोग पिंपल गांव चोगा लेके यहाँ जा रहे हैं। हवा इतनी है कि मालशेज लेक बहुत रिक्स उठा के दिखा रही हूँ क्योंकि मोबाइल भी गया है, ट्राइपॉड भी गया है, हम लोग भी गए। ये देखो नज़ारा ये ऐसा है। ये मेरा हस्बैंड
गए हैं, अभी मोबाइल उनके हाथ पे। वहाँ पे ज़्यादा भीड़ थी इसलिए हम लोग थोड़ा आगे आए, और यहाँ से बादल और फॉग ही फॉग दिख रहा है, मस्त नज़ारा है। इसे पिंपल जोगा डैम के बाजू का एरिया कहते हैं, जो कि 5 किलोमीटर का एकदम स्ट्रेट रोड है, और एक साइड पे डैम का पानी मतलब लेक का पानी, और दूसरे साइड पे फुल ग्रीनरी ग्रीनरी है। इसे देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हम लोग किसी लेक के बाजू में खड़े हैं, ऐसा लग रहा है किसी बीच के बाजू में खड़े हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। वैसे ये डैम उन पहाड़ों के पीछे के साइड पे बना है, वहाँ पे भी जा सकते हैं लेकिन वहाँ पे हम नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे बादलों के बीच में से हल्की सी सूरज की किरण नज़र आ रही है, जो एकदम मस्त दिख रही है, और इस लेक के ऊपर से बारिश और फॉग या फिर वो बादल है जो बह के जा रहे हैं। जो ये नज़ारा है एकदम मौसम लग रहा है। आप देख सकते हैं अभी 9 बज रहे हैं और अभी जस्ट हम लोग मालशे से रिटर्न आए और पूरे थक चुके हैं, लेकिन जो मजा आया ना वहाँ पे वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का था। मार्शेज में जो आपने वाटरफॉल देखा, नज़ारा देखा और लेक देखा है, वो कैसा लगा वो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये तो आप कमेंट करके बताएंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे हमें सपोर्ट मिलेगा, और मार्शेज ज़रूर होके आए जिससे आपको थोड़ा बहुत एंजॉय करने मिलेगा और आपका माइंड भी रिफ्रेश होगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए जिससे हमें सपोर्ट भी मिलेगा और ऐसे ही नए नए वीडियोस आपको देखने मिलेंगे। तो ऐसे ही नए वीडियो में मिलते हैं, मतलब नए ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।